अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस में आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, अपडेट नहीं है, या फिर लिंक तो है, आपके पास वो नंबर मौजूद नहीं है, आपका वो मोबाइल नंबर गिर गया है, खो गया है, चुर गया है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप की हेल्प से अपने ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर को लिंक या अपडेट कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए वीडियो को एंड तक वॉच करते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आदिल, आप देख रहे हैं टेक्निकल आदिल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन कंप्यूटर में क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और यहाँ पर आकर आपको सर्च करना है परिवहन। जैसे ही आप परिवहन सर्च करेंगे, आपके सामने नंबर फर्स्ट पर वेबसाइट आएगी होम परिवहन सेवा। इस पर आपको क्लिक कर देना है तो आप इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर आने पर देखिए, आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन सर्विस का। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस का। इस पर आपको क्लिक कर देना है तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरीके का यूज़र इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी स्टेट चूज़ करनी होगी, तो उसके लिए सिलेक्ट स्टेट नेम पर आपको क्लिक करना है और जो भी आपकी स्टेट हो वो यहाँ से आकर आपको चूज़ कर लेनी है। जैसे ही आप स्टेट चूज़ करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का यूज़र इंटरफेस आता है। यहाँ से आपको इसको स्किप कर देना है या फिर कट कर देना है। अब यहाँ पर आने पर आपको देखिए एक ऑप्शन मिलेगा अदर का। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए एक ऑप्शन मिल जाएगा मोबाइल नंबर अपडेट का। तो आपको मोबाइल नंबर अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है तो आपके सामने इस तरीके का पेज आएगा। यहाँ पर आपको सेलेक्ट क्राइटेरिया पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको चूज़ कर लेना है कि आपका जो लाइसेंस है वो लर्नर लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस है या कंडक्टर लाइसेंस है। जैसे हम ड्राइविंग लाइसेंस में नंबर चेंज करने वाले हैं मोबाइल नंबर को, तो यहाँ पर हम ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए लाइसेंस इशू डेट डालनी है, फिर यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालना है और यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस नंबर में UP75 जैसे जो भी आपका कोड हो उसके बाद अगर स्पेस है तो आपको स्पेस देना है, क्योंकि बहुत से लोग स्पेस नहीं देते हैं। तो वहाँ पर देखिए नो रिकॉर्ड फाउंड लिखकर आता है जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं। तो जैसा कि आपके ड्राइविंग लाइसेंस में नंबर लिखा हुआ है, आपका DL नंबर, वैसे ही आपको इसमें टाइप कर देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने पर इस तरीके से यूज़र इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपकी नेम, आपकी फादर्स नेम, लाइसेंस नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका जो मोबाइल नंबर अभी अपडेट होगा या फिर फ्रेंड्स लिंक होगा वो यहाँ पर लिखकर आ जाएगा। और अगर आपका लिंक नहीं है इसमें तो यहाँ पर देखिए ब्लैंक लिखकर आएगा। जैसे कि हमारा जो मोबाइल नंबर है इसमें लिंक ऑलरेडी है तो यहाँ पर पहले का लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर लिंक या फिर चेंज करने के लिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा प्रोसीड का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा न्यू मोबाइल नंबर का, तो यहाँ पर आपको जो मोबाइल नंबर आप इसमें लिंक करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद जो मोबाइल नंबर आपने ऊपर डाला है उसको नीचे कंफर्म करना है। फिर यहाँ पर आपको रीज़न देना है कि आप किस रीज़न यानी किस कारण से अपना मोबाइल नंबर ड्राइविंग लाइसेंस में चेंज कर रहे हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स हमारा जो मोबाइल नंबर है वो खो गया है तो यहाँ पर हम डाल देते हैं मोबाइल नंबर लॉस्ट। इतना सब करने के बाद आपको प्रोसीड का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करते ही आपने जो मोबाइल नंबर डाला है उस पर OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को यहाँ पर आपको डाल देना है। अगर OTP नहीं आता है तो रिसेंड पर क्लिक करके OTP को दोबारा मंगा लेना है। उसके बाद OTP डाल के यहाँ पर आपको वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लिख कर आ जाएगा OTP वेरीफाई सक्सेसफुली। आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करते ही यहाँ पर लिख कर आ जाएगा सक्सेसफुली अपडेटेड लाइसेंस नंबर और विद मोबाइल नंबर, यानी आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके लाइसेंस से सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है, लिंक हो चुका है। आपको मैसेज भी आपके जो मोबाइल नंबर आपने डाला था उस पर देखने को मिल गया होगा, एक मैसेज आया होगा। तो इस तरीके से आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस में अपना मोबाइल नंबर को लिंक या अपडेट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी
हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।